प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को रोहतक में करोड़ों रुपए की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास व उद्घाटन करके हरियाणा वासियों को विभिन्न सौगातें दी। प्रधानमंत्री ने जिन परियोजनाओं का शिलान्यास किया उनमें गुरुग्राम का श्री शीतला माता देवी चिकित्सा महाविद्यालय, एबीडी फरीदाबाद स्मार्ट सिटी में सड़क तंत्र के निर्माण, रोहतक आईएमटी में बनाए जाने वाले मेगा फूड पार्क, करनाल के समेकित कमांड एवं नियंत्रण केंद्र और पुलिस परिसर भोंडसी में 576 आवास निर्माण जैसी परियोजनाएं शामिल हैं। उन्होंने जिन परियोजनाओं का उद्घाटन किया उनमें धुलेड़ा डिस्ट्रीब्यूटी का पुनर्वास, रोहतक में 576 सस्ते आवास, पलवल के बडोली, नूह के पुनहाना, पलवल के मंडोकला, हिसार के उगारन व सिरसा के कालावली में कन्या महाविद्यालय, जिला सिरसा के थानेसर, लाडवा, शाहबाद तथा पिहोवा में केंद्रीकृत नियंत्रण एवं निरीक्षण प्रणाली के साथ ऊर्जा क्षम स्ट्रीट लाइट परियोजना, फरीदाबाद में समेकित कमंडल एवं नियंत्रण कक्ष का लोकार्पण शामिल है। इस मौके पर हरियाणा के राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य, मुख्यमंत्री मनोहर लाल, केंद्रीय विक्रियावन एवं आयोजना राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह, केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री कृष्ण पाल, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री रतन लाल कटारिया और हरियाणा के सहकारिता राज्य मंत्री मनीष कुमार ग्रोवर, सांसद श्री अरविंद शर्मा सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थप्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।